विषय में सोच करके इतनी चिंतित हो गई कि समय से अग्निहोत्र नहीं कर पाई। लेकिन अभी वो अदिति कुछ बोल नहीं रही है, फिर वे प्रश्न कर रहे हैं कि अपि सर्वे कुशलिन स्तव पुत्र मनुष्यनी, हे मनुष्यनी तुम्हारे सारे पुत्र सकुशल है ना, तुम्हारे पुत्रों की कुशलता है ना। अरे कोई कह सकता है क्यों इतना अप्रश्न पूछे जा रहे हैं? वे कह रहे हैं कि लक्ष्य अस्वस्थ आत्मान भवत्या लक्षणे इरहं, तुम्हारे लक्षण को देख करके, तुम्हारे मुख के आकृति को देख करके, तुम्हारे मुख के उदासी को देख करके हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं है, तुम किसी न किसी चिंता में। और इस प्रकार कश्यप जी कई एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और कश्यप जी के चेतना का स्तर देखिए, अदिति उदास है तो उनको लग रहा है कि ब्राह्मणों के सुरक्षा में कोई कमी हो गई इसलिए उदास है, यह धर्म का ह्रास हो गया इसलिए उदास है, यह अतिथि का सत्कार नहीं कर पाई इसलिए उदास है, यह समय से अग्निहोत्र नहीं कर पाई और इसलिए उदास है, यह हो सकता है कि घर में खाने पीने की सामग्री का अभाव हो गया हो इसलिए उदास है। और अंततः पूछ रहे हैं कि तुम्हारे सब पुत्र कुशल पूर्वक हैं ना, कहीं पुत्रों के कठिनाई से तो तुम उदास नहीं हो। और इस प्रकार जब कश्यप जी कई एक प्रश्न पूछे, अब श्री अदिति वाच, अब अदिति बोलना प्रारंभ कर रही, वह कह रही है कि भद्रम द्विज गवाम ब्रह्म धर्मस्यास्य जनस्य च, कह रही है कि गायों का मंगल है, ब्राह्मणों का मंगल है, और धर्म का मंगल है, और जनस्य ये समाज के लोग हैं इनका भी मंगल है। त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृह मेधिन गृहा इमे, कारण के आप पूछ रहे हैं कि घर में तो कोई अभाव तो नहीं है, तो जो त्रिवर्ग का क्षेत्र है तो यहाँ घर में भी किसी प्रकार का अभाव नहीं है, खाने पीने की सामग्री का कोई अभाव नहीं है, और अग्नयो तिथयो भेद्या भिक्षवो ये लिप्सव सर्वम भगवतो ब्रह्म अनुध्यायन दृश्यति, मैं आपका ध्यान रखती हूँ, आपके स्टैंडर्ड का ध्यान रखती हूँ, तो हमसे कोई त्रुटि नहीं हुई, मैं आपकी पत्नी हूँ, तो आप का जो व्यवहार का स्तर है तो उसका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, और इसलिए अग्नि में आहुति देने में हमसे कभी विलंब नहीं हुआ, और अतिथि हमारे घर से निराश नहीं लौटे, या कोई भिक्षुक है या कोई कुछ चाहता है, लिप्सु है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो कोई भी हमारे घर से निराश नहीं गया। सर्वम भगवतो ब्रह्मन अनुध्यायान दृश्यति, आपका ध्यान करके आपका स्मरण रहने से कोई भी त्रुटि नहीं हुई है, हम घर का जो व्यवहार होना चाहिए वह उसको ठीक ठीक से निष्पादित किए हैं। कौन में भगवान का मुँह न संपद्यत मानुष, अब आगे कहने लगी कि हमारे मन में कोई कामना है तो कौन कामना ऐसा है कि जो पूर्ण नहीं हो जाएगा, कौन में भगवान का मुँह न संपद्यत मानुष। अदिति कश्यप जी को भगवान संबोधित कर रहे, आप सर्व समर्थ हैं, तो आपके उपस्थिति से आप हमारे पति हैं, तो कौन हमारा
मन का संकल्प है जो पूरा न हो जाए। जस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्म प्रभासते, आप जैसे धर्म के विषय में बोल रहे हैं, जैसे प्रश्न कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि आपका स्तर बहुत ऊंचा है। तो इस स्तर का जिसका पति है तो उसका कौन मनोरथ अधूरा रह जाएगा, कौन मनोरथ पूर्ण नहीं हो जाएगा। अब अदिति कहने लगे कि मैं जानती हूं कि